आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी कि रियाज नाइक को मारा गया। बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं कि सेना कैसे उसकी बॉडी को इस तरीके से कुत्ते की तरह बांध के इधर से उधर कर रही है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लिबरल लोगों को दुख होगा क्योंकि अब उसका क्या बुरा हुआ, किस वजह से उसने आतंकवाद ज्वाइन किया और तमाम ऐसी चीज़ें। पहले टीचर था या टीचर का लड़का था, और हर वो चीज़ जो शुरुआत में हर वो मीडिया करता जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है। लेकिन कभी मैंने इनके मुँह से ये नहीं देखा कि जो कभी भी कोई जवान शहीद होता है, उल्टा है NDTV वाले तो हद ही कर दी कि वो मार्टिर नहीं, वो मारे गए 5। खैर, तो ये मीडिया वाले कभी किसी शहीद की इतनी डिटेल में डिटेल नहीं निकालते कि वो उसका पुराना जीवन क्या था, कैसे वो उसने आर्मी ज्वाइन की, क्या सोच होती है आर्मी ज्वाइन करने वाली, कभी नहीं। लेकिन आतंकवादी के जितने ही अधिकार होते हैं, जितना वो शौक रखता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो मतलब हर एक चीज़, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि हम लोग किस समाज में रह रहे हैं कि अगर एक मीडिया ऐसा दिखाता है तो उस मीडिया को लिबरल कह दिया जाता है, उस मीडिया को कहा जाता है कि असली काम तो वही कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाता है, वैसी सोच को प्रमोट किया जाता है। तो मारा गया, 2 कौड़ी का था लेकिन उसके ऊपर 12 लाख का इनाम भी था, तो मारा गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान का एक कमेंट, और मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि कैसे इंडिया ने अच्छे से हड़काया है कि POK खाली करो, गिलगित बल्तिस्तान मीरपुर मुजफ़्फ़राबाद का एरिया जो पूरा है जिसपे ये लोग सरकार बनाना चाहते हैं, जो मैंने अच्छे से बताया था कि 5वीं प्रोविंस, अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 4 प्रोविंस है, तो इसको 5वीं प्रोविंस बनाने की पूरी प्लानिंग है, और असली बड़ा हिस्सा वही है, POK तो बस एक छोटा सा वो हिस्सा जिसके भ्रम में लोग रखे हुए हैं पूरी दुनिया को। कल का ट्वीट मैं दिखाता हूँ, इमरान खान का, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि इंडिया हम पे अटैक करने के बहाने ढूंढ रहा है। ये वही बात हुई जैसे कि अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद ही FIR करा आते हैं, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से टेररिज्म भेज रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पिछले कई सालों से जब से आप अस्तित्व में आए हैं, मैं जब पाकिस्तान की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, तो वो कोई दिक्कत नहीं था, वो सब ठीक था। लेकिन अगली कंट्री कह दे कि अब बस बहुत हो गया, बस इतना कह देने मात्र से और थोड़ा जवाब देने लग जाए, तो उस कंट्री से आपको खतरा महसूस होना चाहिए, डर लगना ज़रूरी है, और ये डर अच्छी बात है। अगर ये डर नहीं होता तो तुम जो भी कंट्रोल में हो, इतना कह दो कि तुम अपने आतंकियों की फ़ौज को किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में डाल दिए होते और पब्लिकली बताते कि हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी आर्मी भी है। ये खौफ होना चाहिए, और अगर तुम्हें इंडिया से खौफ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सुन के कानों को बहुत अच्छा लगा कि इतना ओपनली तुम एडमिट कर रहे हो, तुम तो वैसे भीख मांग रहे हो चाइना से और तुम्हारे सपोर्ट करने वाली कंट्रीज से, लेकिन जो भारत वाले देख रहे हैं ना, उनको तुम्हारे अंदर का खौफ नज़र आ रहा है, और तुम्हारे लिए तो एक तुम्हारा वो मरा होगा, सेवक एक मर गया होगा छोटा सा, जो ये जो नाइकू मरा है और जो तमाम और टेररिस्ट मरे हैं अभी हाल ही में। तो ठीक है, कीप इट अप, बेचते जाओ, हम ठोकते जाएंगे, और जितने समर्थक हैं पाकिस्तान के और कश्मीर में जितने पल रहे हैं और उसके लिए जितने हमारे यहाँ लोग परेशान होते रहते हैं, उनके लिए बता दूं कि आर्मी ऐसे ही ठोकेगी, तुमको जितना रोना रो उसके मरने के बाद। और हाँ, इस बार अमित शाह ने और कह दिया है कि जैसे पिछली बार या हर बार ऐसा होता था कि बॉडी उसके परिवार को दे दी जाती थी अगर कोई लोकल है, तो इस बार बॉडी दी नहीं जाएगी, आर्मी अपने हिसाब से हिसाब लगाएगी क्या करना है बॉडी का, किस कूड़ेदान में फेंकना है, किस केरोसिन में तेल में डाल के जला देना है। हर बार दे दी जाती थी तो हुजूम निकलता था, नमाज जनाजा होता था, और फिर कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का तो धर्म होता है ना, आतंकवाद का अगर नहीं होता तो, मैं भी कह रहा हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि आतंकवादियों का तो होता है, इसलिए उन नमाज जनाजा निकालते हो, फेंक देते किसी कूड़ेदान में, जला देते, दे देते कुत्तों खाने के लिए, लेकिन नहीं। खैर, आज के लिए इतना है, आप मुझे कमेंट बताइएगा कि इमरान खान के इस रिएक्शन से, आपने ट्वीट पढ़ लिया होगा, मैंने दगाया था, एक्चुअली 2 ट्वीट भी थे, वो RSS तो मोदी को भी कुछ कह रहा था, मैंने वो पढ़ा नहीं, आप पॉज करके पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो खैर, अगर RSS, भाजपा, मोदी, हिंदू, इनसे पाकिस्तान डर रहा है तो ये तो बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए, बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा पाकिस्तान पसंद लोगों के साथ। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।